नमस्कार, झरोका चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 की किताब स्पर्श से कबीरदास जी की साखी की व्याख्या। इस वीडियो में हम आपको साखी में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ, साखी की व्याख्या और काव्य सौंदर्य बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 10वीं की किताब स्पर्श से कबीरदास जी की साखी की व्याख्या। सबसे पहले यह समझ लेना बेहतर होगा कि साखियों का तात्पर्य क्या होता है। साखी शब्द जो है वह साक्षी का अपभ्रंश है और साक्षी का मतलब होता है गवाही, प्रमाण, साक्ष्य। तो कबीरदास जी ने जो कुछ भी दुनिया में देखा, जो अनुभव किया, उसे उन्होंने अपनी साखियों के माध्यम से दुनिया को प्रदान करने की कोशिश की है। तो चलिए हम उनकी साखियों के अब अर्थों को जानते हैं, समझते हैं। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तल शीतल करे और ही को सुख होए। यहाँ जो कठिन शब्द ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कबीरदास ने कोई किताबों को पढ़कर के ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, वो खुद अशिक्षित थे, निरक्षर थे, उनका सारा ज्ञान अनुभव का था, तो उनकी भाषा भी सरल सहज बोलचाल की है। आपा का जो शब्द आया है उसका अर्थ है अहंकार। तो कबीरदास जी यह सलाह दे रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन के अंदर जो व्याप्त अहंकार है, घमंड है, उसे तिरोहित कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और शीतल वाणी में, ठंडी वाणी में, सरल प्रेममय वाणी में लोगों से बातचीत करना चाहिए। इसके दो लाभ होते हैं। एक तो ये कि हम शीतल बोलते हैं तो हमारा हृदय उस शीतलता से स्वयं शीतल हो जाता है और दूसरों को भी इससे बहुत आनंद प्राप्त होता है, सुख मिलता है। तो इस तरह ये पहली साखी की व्याख्या हमने की। अब इसके काव्य सौंदर्य पर अगर हम विचार करें तो ये बहुत ही सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में इसकी रचना हुई है और इसमें भाव सौंदर्य है कि मनुष्य को अहंकार विहीन रह करके सब लोगों के साथ प्रेममय, मिठास से भरी हुई शीतल वाणी में बातचीत करना चाहिए। दूसरी साखी लेते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाय। कबीरदास जी ने इस साखी में मृग, कस्तूरी मृग का एक उदाहरण दिया है। कस्तूरी मृग क्या होता है पहले इसको जान लेना उचित होगा। देखिए, हिमालय में, हिमाचल प्रदेश में हिमालय की ऊंचाइयों पर समुद्र तल से लगभग 1200 फुट की ऊंचाई वाले तल पर कस्तूरी मृग नाम का मृग की एक प्रजाति पाई जाती है और इस मृग की नाभि में कस्तूरी नाम का एक पदार्थ होता है। कस्तूरी जो पदार्थ होता है वह बहुत ही मादक सुगंध वाला होता है, उसमें से भीनी भीनी खुशबू निकलती है और जो मन को जो है वो नशीला कर देती है। तो मृग को जब वो सुगंध आती है तो वो यह नहीं जानता कि उसकी नाभि में जो कस्तूरी है ये सुगंध उससे आ रही है। वह ऐसा समझता है
कि ये न जाने कहां से आ रही है, क्योंकि वो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है उसको इस बात का। तो वह उसको बाहर खोजता है, दौड़ता है, भागता है, छलांगें लगाता है, कुलांचें भरता है, गिरता है, उठता है, व्याकुल हो जाता है उस गंध को पाने के लिए, उसके स्रोत को खोजने के लिए, और खोज नहीं पाता, और कभी कभी ऐसी ही दशा में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कबीरदास जी ने इसी से ये उदाहरण लेकर के समझाना चाहा है कि जिस तरह मृग की नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है, पर अज्ञान के कारण वह उसे नहीं जानता और उसे बाहर कहीं खोजता फिरता है, ठीक उसी तरह मनुष्य की आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है, पर अज्ञान होने के कारण मनुष्य इस बात को नहीं जानता और वह ईश्वर को कहीं बाहर काशी में, काबे में, मंदिर में, मस्जिद में खोजता फिरता है। तो कबीरदास जी ने यहाँ पर इस साखी में यही बताने की कोशिश की है कि ज्ञान से ही हम ये बात जान सकते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही हमें पता चलेगा कि ईश्वर का निवास कहाँ है। इसमें अगर हम काव्य सौंदर्य खोजें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर कबीरदास जी ने एक रूपक कथा का इस्तेमाल किया है, उदाहरण भी लिया है तो दृष्टांत उदाहरण है, और उन्होंने तुलना की है मृग और कस्तूरी की, मनुष्य की और ईश्वर की। तो दोनों तरह के तुलनाओं के कारण उपमा अलंकार भी यहाँ पर है। और भाव सौंदर्य इसका ये है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, सॉरी, और इसलिए वह मनुष्य की आत्मा में भी व्याप्त है, तो उसे हमें कहीं बाहर नहीं खोजना चाहिए। और अब चलिए तीसरी साखी पर आते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाह, इस अंधियारा ऐसे सब अंधियारा मिट गया, जब जी दीपक देखा माय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मैं था, मेरे अंदर मेरा अहम जीवित था, अहंकार जीवित था, घमंड जीवित था, तब तक मुझे ईश्वर नहीं मिला। और जब ईश्वर को मैंने पा लिया तो मेरा अहम, मेरा स्वत्व, मैं स्वयं अब बचा नहीं। कोई एक ही रह सकता है, या तो अहम या फिर ईश्वर, दोनों को एक साथ कोई भी नहीं अपने अंदर समा सकता। अहंकारी व्यक्ति को भक्ति नहीं मिलती, और जिसको भक्ति मिल जाती है वह अहंकारी नहीं रहता, ये वे कहना चाहते हैं। और वो बताते हैं कि जैसे ही दीपक जलता है तो अंधकार भाग जाता है, कमरे में अंधकार भरा हुआ है और हमने एक रोशनी जला दी, अंधकार वहां से लुप्त हो गया। ठीक इसी तरह से जब ईश्वर को हम पा लेते हैं तो अहंकार रूपी अंधकार भी हमारे पास से गायब हो जाता है। तो इसमें जो काव्य सौंदर्य है वह है, तुलना है उपमा अलंकार के कारण, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और जो भाव सौंदर्य है वो ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे अंदर अहंकार होगा तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी, इसलिए अहंकार को त्याग कर ही भक्ति का रास्ता हम बना सकते हैं। अब इसके बाद अगली साखी लेते हैं। सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार जो है इसके पास केवल दो ही काम है, ये भूख मिटाने के लिए भोजन करता है और भोजन करके ठाट से सोया करता है, इसे और किन्हीं चीजों से कोई लेना देना नहीं है,
इसलिए ये सबसे सुखी व्यक्ति है। संसार के लोग सबसे सुखमय जीवन जीते हैं, दो ही काम है उनके, खाना और सोना। पर वो कहते हैं कि ये जो दास कबीर है ये बड़ा दुखी रहता है, क्योंकि यह संसार की वास्तविकता को जानता है। संसार मिथ्या है, संसार नष्ट प्राय है, संसार मरणशील है, संसार माया मोह से युक्त है, ऐसा वह जान करके अपने ज्ञान को प्राप्त करता है और इसीलिए उसके मन में सदैव दुख बना रहता है कि संसार की इन पीड़ाओं से मुक्ति कैसे पाएंगे, संसार को मुक्ति कैसे मिलेगी। तो ये कबीर इस साखी में कहते हैं। इसमें काव्य सौंदर्य यही है कि कबीरदास जी ने सांसारिक मनुष्य का और एक आध्यात्मिक मनुष्य का जो अंतर होता है उसको यहाँ स्पष्ट किया है। सांसारिक व्यक्ति केवल भोजन और स्वाद में ही खोया रहता है और नींद में गाफिल रहता है। आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वह संसार की वास्तविकता को जानकर दुखी रहता है। यही इसका संदेश है साखी का। ये भाव सौंदर्य भी यही है कि मनुष्य को संसार की वास्तविकता से परिचित होना चाहिए। और अब हम अगली साखी पर आते हैं। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं, बिरह भुजंग तन बसै, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी न जिए, जिए तो बौरा होए। कबीरदास जी इस साखी में ये कहते हैं कि जो विरह है, आत्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है, जो कबीरदास जी की फिलॉसफी है, दार्शनिक भाव है उनकी पूरी भक्ति का, वो ये है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा से वह बिछुड़ कर संसार में मनुष्य की देह के पिंजरे में कैद है। अब वो इस पिंजरे को तोड़कर परमात्मा से मिलने के लिए सदैव व्याकुल रहती है। तो इसी दर्शन को उन्होंने इस साखी में अभिव्यक्त किया है कि विरह भुजंग तन बसे, विरह को, वियोग को, बिछड़ने को कबीरदास जी ने एक सर्प कहा है, सांप कहा है, कि वो विरह रूपी सर्प मेरे शरीर के अंदर स्थायी रूप से बस गया है, निवास कर रहा है। सांप जिसको देख करके ही हम भयभीत हो जाते हैं, जिसमें जहर होता है, अगर वो शरीर के अंदर निवास करे तो समझ लीजिए कि फिर ऐसे मनुष्य की क्या दशा होगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस सांप को निकालने का कोई मंत्र भी नहीं है, इसे मंत्र के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो ये परमात्मा के प्रति जो वियोग का भाव है वह तब तक नहीं निकलता जब वह परमात्मा को पा नहीं लेता, और जब तक पा नहीं लेता तब तक वियोग रूपी सर्प के कष्ट से वह सदैव ग्रसित रहता है। वे कहते हैं, राम वियोगी न जिए, ये परमात्मा से जिसका वियोग हो गया है, जो बिछुड़ गया है, फिर उसका जीवन जीवन नहीं होता, और अगर वो जिएगा तो वह बावरों की तरह, पागलों की तरह, विक्षिप्तों की तरह ही आचरण करेगा, व्यवहार करेगा, क्योंकि वह एक साधारण मनुष्य की तरह जीवन नहीं जी सकता। इसलिए परमात्मा को पाकर के ही उसके यह तृप्ति होती है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है। यहाँ काव्य सौंदर्य है कि कबीर ने रूपक अलंकार का प्रयोग किया है, विरह को सर्प बना दिया है और उदाहरण दे करके अपनी बात कही है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। और भाव सौंदर्य ये है कि जो एक बार परमात्मा के प्रति सच्ची लगन में पड़ जाता है वह फिर साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह आतुर और व्याकुल अवस्था में रहता है। फिर अगली साखी लेते हैं, निंद
निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। ये बहुत उनका विख्यात दोहा है, साखी है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपने निंदक को अपने पास ही रखना चाहिए, यहां तक कि उसको अपने ही घर के आंगन में उसके लिए कुटिया बना देना चाहिए कि भाई तुम यहां रहो ताकि तुम हमेशा मेरे ऊपर अपनी निगाह बना के बनाए रखो और मेरे दुर्गुणों को अवगुणों को तुम मुझे बताओ ताकि मैं उनसे मुक्ति पा सकूं। अब निंदक को तो हम बिल्कुल सहते ही नहीं हैं, कोई हमारे अवगुणों को अगर बताने की कोशिश करे तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु वही बन जाता है, क्योंकि हम अज्ञानी लोग हैं। हम बहुत ही ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अंदर धैर्य नहीं है, उदारता नहीं है। हम आलोचना सुनने और सहने की शक्ति नहीं रखते। मन में ये जो आंगन निंदक को आंगन में बसाने की बात है, असल में कबीरदास जी का जो आंगन है वो घर का आंगन नहीं है, वो मन का आंगन है कि हमारे मन के आंगन में ही हमारी निंदा करने वाला स्थायी रूप से रहे, हम स्वयं ही अपने निंदक बन जाएं, हमारी आत्मा ही हमारी निंदा करे, वही हमें ये संदेश दे कि ये रास्ता गलत है, ये उद्देश्य गलत है, ये तरीका गलत है, और हम उससे ज्ञान के माध्यम से गलतियों को जान लें। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हम अपने निंदा करने वाले को उससे प्रेम करने लगे, उसके अस्तित्व से हम कुछ ग्रहण करने लगे, तो फिर हमारा जो स्वभाव है वह निर्मल हो जाएगा, मलविहीन हो जाएगा, गंदगी से दूर हो जाएगा, और इसके लिए किसी तरह के पानी की साबुन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें जो है वो काव्य सौंदर्य है कि कबीरदास जी ने साबुन और पानी का उदाहरण दिया है, दृष्टांत अलंकार है, और निंदक को निकट रखने की जो बात कही गई है वो मन के लोकतंत्र की बात है कि हम अपने अंदर ही अपनी आत्मा की आवाज को सुनना सीख लें। और आखिरी साखी है ये कबीरदास जी की, हम नहीं आखिरी नहीं है, अभी दो बाकी हैं। तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, एक असिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये नौवीं साखी है और इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग बड़े बड़ी पोथियां, बड़े बड़े ग्रंथ, बड़ी बड़ी किताबें, पुराण उपनिषद इत्यादि का अध्ययन करते हैं, लेकिन वो वास्तविक रूप से उनके अंदर पांडित्य किताबों के जरिए नहीं आता। पांडित्य तो तब आता है जब कोई प्रेम का एक अक्षर सीख लेता है, अगर प्रेम की भावना को सच्चाई के साथ ग्रहण कर लेता है, सत्यता से ग्रहण करता है, प्रेम की वास्तविकता में उतर जाता है, तभी वह पांडित्य पूर्ण हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, अन्यथा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता। तो यहां पर दृष्टांत अलंकार तो है ही और भाव सौंदर्य यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि किताबी ज्ञान से ज्ञानी नहीं हो सकते, ज्ञान तो अनुभव से आता है, अनुभूति से आता है। और अब अंतिम साखी हम ले रहे हैं कि हम घर जालिया आपड़ा लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालियो ताश का जो चले हमारे साथ। इसमें कठिन शब्द ये हैं, जो मुराड़ा है मतलब वो मसाल जो जलती हुई लकड़ी है। कबीरदास जी कहते हैं मैंने तो अपना घर स्वयं ही जला दिया है, मैं अपने हाथ में जलती हुई मशाल रखे हुए हूं और अब मैं उसका घर जलाने जा रहा हूं जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। तो ये तो सरल अर्थ हुआ, कबीर इस सरल अर्थ को कहने के लिए साखियां नहीं बोलते, उसके गूढ़ार्थों के लिए बोलते हैं, और वो ये है कि
कि हमने माया मोह मद लोभ तरह तरह के जो सांसारिक बंधन हैं उनको जला दिया, नष्ट कर दिया, उनसे अपने आप को दूर कर लिया। घर जो है प्रतीक है इस बात का कि जिसमें हमारे सारे बंधन मौजूद होते हैं, और अब मैं उसका भी घर जलाने के लिए तत्पर हूं जिसे मेरे रास्ते पर चलने की आकांक्षा हो, तो वो मेरा साथी बन सकता है, तो मैं उसको भी माया मोह मद लोभ से मुक्त करना चाहता हूं। यहां काव्य सौंदर्य है, कबीरदास जी ने जो है वो एक रूपक कथा का यहां प्रयोग किया है। घर जलाने की जो बात कही है वो माया मोह से वैराग्य प्राप्त करने की, उसकी तरफ से अपना राग मिटाने की बात कही है। और भाव सौंदर्य ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि माया मोह जब तक नहीं त्यागोगे तब तक आपको अध्यात्म के पथ पर सफलता नहीं मिलेगी। तो यह थे कबीरदास जी की 10 साखियों की व्याख्याएं, शब्दार्थ, प्रसंग, संदर्भ और उनके जो कठिन शब्द आए थे उनके हमने शब्दार्थ बताए हैं, काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य बताया है। संदर्भ इसका यही रहेगा कि यह साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसके रचनाकार भक्ति काल के संत कवि कबीरदास जी हैं, और प्रसंग में हम जहां पर जिस साखी में जिस भाव को प्रमुखता से अभिव्यक्त किया गया है उसे लिखेंगे। तो अगली बार हम इसी पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। कृपया से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।